ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर था, बट मैं इसको कर देती हूँ। इसे बहुत आलस आता है छोटा छोटा करने में, छोटा छोटा छोटी छोटी जगह पेंट करने में बहुत ज़्यादा आलस आती है। पेंट तो कैसे करते होंगे, तो ये देखिए मैं कर रही हूँ और तो अच्छा लग रहा है, बाद में देखते क्या होता है। ऐसे ऐसा लुक आ रहा है, अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसमें आके क्या करूँ। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, कि वो बन गया है जो बन गया है। और अभी आगे क्या करना है सोचना पड़ेगा, कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। पहली बार ट्राई कर रही हूँ, वो ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ इस खाने, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना था, तो मैंने सोचा चलिए कुछ किया जाए। अच्छा भी लग रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो ठीक लग रहा है, फिर चलिए। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें रेड कलर क्यों कर रही हूँ, तो वो इसलिए है कि मुझे गोल्डन के साथ उसका एक टेक्सचर देना था, लेकिन मुझे गोल्डन कलर नहीं मिल पाया मेरे पास, मतलब मेरे घर के पास जो शॉप है वहाँ पे, तो मैं सिल्वर कलर ले पाया। तो मैंने सिल्वर येलो के साथ नहीं मैच हो रहा था, तो सडनली मैंने सोची कि चलो मैं इसको मैरून कलर से पेंट कर लूँ। इसलिए मैंने फटाफट मैंने, मतलब मेरे दिमाग में ये था नहीं कि मुझे ऐसा करना है, देखा इसमें रेड मैरून मुझे मिल गया था शॉप में, तो मैं ले आई और फटाफट इसको मैंने रेड कलर से मैरून कलर से कर दिया है। और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको इस वाले ग्रीन कलर को कर लिया। तो अब देखिए मैं इसको सिल्वर कलर से थोड़ा सा टचअप दूंगी, उसके बाद आप लोग मुझे ये बताइए कि मेरी मटकी कैसी लग रही है। और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी ये पता चले ना कि आप लोग को मेरे कंटेंट पसंद आ रहे, तो मैं और अच्छे आपके साथ DIY शेयर करते रहूँगी। मेरे घर के सारे, मैंने बहुत सारे और भी मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाई, तो उनका मैंने शॉर्ट वीडियो डाल के मैंने शेयर किया हुआ है। और मेरे साथ मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे बनानी है, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम रहता है, इसलिए मैं एक चीज़ को दो दो तीन तीन दिन मेरे मुझे लग जाता है बनाने में। उसको ये इस मटकी को बनाने में मुझे 15 दिन लगे, अगर आपको यकीन ना हो तो। गया है, सूख गया है, 1 घंटा लगा लगभग ये सीखने में टाइम। अभी देखिए मैं सिल्वर कलर से थोड़ा टचअप दे देती हूँ उनको, और देखते हैं कंप्लीट लुक कैसा आता है इसका। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लुक को सपोर्ट करते हैं, वैसे मेरे चैनल को भी आप सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे DIY लेकर आते रहूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग मेरा फाइनली मटकी मेरा कंप्लीट हो गया है। और आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है मटकी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक दो दिनों में एक और मटकी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो तो मैंने लगभग कभी मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, आधा अधूरा पड़ा हुआ है मेरे पास। तो उसका जो फाइनल लुक है वो फाइनल कंप्लीट करके मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कैसा बना है। तो ये वाला आप बताइएगा कि कैसी लग रही है मटकी, इसको मुझे कहाँ रखना चाहिए, ऐसे मुझे क्या लगाना चाहिए, वो आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि मैं इसका क्या करूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कभी बना के रखी है, लेकिन मुझे मालूम मुझे क्या करना है इसका। तो देखिए मैंने थोड़ा सेट करके आपको दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है। ये जो दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं, दोनों तीनों चीज़ें, ये सब मैंने घर पर ही बनाई है। डॉल, मेरी बेटी की डॉल है, वहाँ रख दी, तो थोड़ा सा उसमें सो उसका बढ़ गया है। तो प्लीज़
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो, ये और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वाली वीडियो जो है वो किस कंटेंट में बनाऊं। आज के लिए बस इतना ही, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।